वो उनसे पूछो, सरकार कैसी चल रही है आप देख रहे हो ना, 6 महीने में जो काम हुए ना, 6 महीने में मेरे ख्याल से पिछली सरकार ने भी इतने ऐतिहासिक काम नहीं किए थे। और 6 महीने, 6 महीने नहीं, 5 साल में उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं भी पूरे कर नहीं पाए। और बजट में जो घोषणाएं की, 5 साल में तो विधानसभा में था, उन्होंने विधानसभा के पटल पे जो घोषणाएं की वो घोषणाएं भी वो पूरी नहीं कर पाए, आज भी अधूरी पड़ी है। और हमने तो जो घोषणाएं की है, संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की है, उनका 40 से 45% वादे हमने पूरे किए और घोषणाएं धरातल पर उतारने का काम किया है। सर, तो फिर लोकसभा लोकसभा चुनाव में सीटें घट कैसे गई, इतने अच्छे काम कर दिए 6 महीने में? वो देखो, जनता का मूड होता है ना, कई मुद्दे टमाटर के भी ऊपर सरकार बन जाती है, कई बार टमाटर कम मिलता है या टमाटर की सप्लाई कम होती है, सरकार बदल जाती है। ये जनता के मूड के ऊपर है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रखा और आगे जो कमियां रही है तो हम उसे पूरा करेंगे और जनता की सेवा इससे भी ज्यादा करेंगे, जिससे जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद और ज्यादा बनाए। आकलन किया हार की क्या वजह रही? वैसे टमाटर की तुलना आपने 400 पार के नारे से कर दी। मेरी बात सुनो, ये मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं और मुद्दा कोई भी बन सकता है, चुनाव में एक मुद्दा है ना, कभी भी बाजी पलट सकती है उससे। तो ये विषय अब नहीं रहा, अब तो जनता की सेवा करने का विषय रहा है और हम सेवा 5 साल का मौका हमको मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की सेवा करेंगे, राजस्थान में और राजस्थान को कैसे विकसित राज्य बनाए इस दिशा में हम काम करेंगे और जमीन धरातल पर रह करके हम काम करेंगे। नहीं सर, क्या लगता है क्या कौन सा मुद्दा था जो लोकसभा चुनाव में हार का कारण बना, लोग उस चीज को विरोध में आ गए, आपके अगेंस्ट वोट कर दिया, कहां 25 और 24 सीटें आपकी और कहां एकदम उससे घट गए, यहां तक पहुंच गए? मुद्दा तो आप लोग फील्ड में हो ना भाई, आपने भी देखा होगा, मुद्दा जनता ने जहाँ वोट दिए वो मुद्दा बना, बस जनता ने जो दिए वही उसको स्वीकार करते हैं, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। तो सर, राजस्थान में भी अयोध्या, राम मंदिर, 370 ऐसे जो मुद्दे थे, इनको भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाया, क्या लगता है सर कि यहाँ हमने पर क्या, हमने सभी मुद्दे जनता के सामने रखे, राम मंदिर का मुद्दा भी रखा, धारा 370 का भी रखा, जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया, राजस्थान में भी जो काम किए वो भी हमने रखा, जनता को जो पसंद आया उनको वोट दिए और हम तो चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहे, सेवा के बल पर हम वोट लेना चाहते हैं और निश्चित रूप से आगे हम हमारे जितना भी विधायक है वो सेवा करेंगे, जनता की पूरे मन से सेवा।